कल जिला सिरसा में एक 32 साल का व्यक्ति गुड़गांव से आया था और वो सीधा आकर के उसने टेस्ट करवाया। वो नोहरिया बाजार से बिलोंग करता है और उसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, उसे कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। दूसरा लेट नाइट के अंदर 30 साल का एक व्यक्ति और आया, वो भी गुड़गांव से आया था, वो दिंगदानिया से विलेज से संबंधित है और उसके साथ में उसकी वाइफ भी है और वो टेस्ट पॉजिटिव है उसका, उसे कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। उसकी वाइफ सिम्टोमेटिक है, उसका टेस्ट आज कराया गया है और टेस्ट के आने के बाद पता चलेगा। अभी तक टोटल एक्टिव केस हैं वो 52 हैं और टोटल रिकवर केस है उसमें 35 हैं और नेगेटिव जो केसेस आए हैं 3312 है और अवेटेड हैं 165। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का अपना इंतजाम रखें और बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आओ हम सभी मिलकर के शपथ लें कि हम कोरोना को भगाएंगे और कोरोना से बचने के लिए जो जो उपाय सरकार ने सुझाए हैं उन पर हम अमल करेंगे। धन्यवाद। कल जिला सिरसा में एक 32 साल का व्यक्ति गुड़गांव से आया था और वो सीधा आकर के उसने टेस्ट करवाया। वो नोहरिया बाजार से बिलोंग करता है और उसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, उसे कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। दूसरा लेट नाइट के अंदर 30 साल का एक व्यक्ति और आया, वो भी गुड़गांव से आया था, वो दिंगदानिया से विलेज से संबंधित है और उसके साथ में उसकी वाइफ भी है और वो टेस्ट पॉजिटिव है उसका, उसे कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। उसकी वाइफ सिम्टोमेटिक है, उसका टेस्ट आज कराया गया है और टेस्ट के आने के बाद पता चलेगा। अभी तक टोटल एक्टिव केस हैं वो 52 हैं और टोटल रिकवर केस है उसमें 35 हैं और नेगेटिव जो केसेस आए हैं 3312 है और अवेटेड हैं 165। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का अपना इंतजाम रखें और बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आओ हम सभी मिलकर के शपथ लें कि हम कोरोना को भगाएंगे और कोरोना से बचने के लिए जो जो उपाय सरकार ने सुझाए हैं उन पर हम अमल करेंगे। धन्यवाद।